हाय एवरीवन, मेरा नाम है साजन मैदान। तो जल्दी से ग्रैंडिया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि बेस्ट कैमरा सिनेमेटोग्राफी के लिए कौन सा है या फोटोग्राफी के लिए कौन सा है, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा तो जल्दी से देख लीजिए कि सिनेमेटोग्राफी है क्या, तो उसमें सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। आज पार्ट टू है कि सिनेमेटोग्राफी के लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है वैसे, और साथ में स्टिल के लिए भी आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों बता दूं कि सोनी के ही प्रोडक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सोनी इसलिए प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले इसमें डायनामिक रेंज बहुत सॉलिड है, उसके बाद अगर बात करें कलर साइंस टेक्नोलॉजी की तो वो भी बहुत इसमें सॉलिड है। अगर बात करें बॉलीवुड के बड़े बड़े गाने, एक तरफ गाना हो रहा है एरी के ऊपर शूट और दूसरा हो रहा है M3 के ऊपर, तो 30-40% जो सॉन्ग शूट किया गया है वो M3 की बॉडी से शूट किया गया है। तो इतने बड़े कैमरे के साथ, एरी के साथ सोनी की क्वालिटी मैच करनी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो सोनी कलर्स देता है ऑलमोस्ट एरी कैमरा के मुकाबले कलर साइज टेक्नोलॉजी सेम है। अगर बात करें कैनन की, उसका जो कंपैरिजन है, उसका टाइप है, अगर बात करें वो रेड कैमरे के साथ है, तो उनकी कलर साइंस टेक्नोलॉजी हर चीज़ थोड़ा अलग है एरी से। तो इसी तरह हम सोनी के अंदर जाते हैं क्योंकि एसलो का नाम सुना होगा, फुल डायनामिक रेंज मिलती है। डायनामिक रेंज पे किसी दिन अलग टॉपिक बनाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा ट्यूटोरियल लंबा ना हो जाए तो सिर्फ आज हम बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के ऊपर बात करते हैं कि बॉडी कौन सी है। सबसे पहले अभी मेरे पास FX3 नहीं है, 6 नहीं है और 9 नहीं है, मैंने ज़्यादा कैमरे यहाँ पे विजिबल नहीं किए हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके बारे में बताऊँगा हल्का हल्का। सबसे पहले बात करें सोनी के अंदर, सोनी सबसे ज़्यादा आगे चल रहा है, तो बताया कि कलर साइंस टेक्नोलॉजी और प्लस उसके जो डायनामिक रेंज है, सबसे दो मेजर पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों क्या है कि इनके जो मार्केट के अंदर कैमरा है सिनेमेटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैमरा तो बहुत है सोनी के पास भी, है 7 है, 7-2 है, 7-3 है, लेकिन जो कैमरा मार्केट के अंदर अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है दोस्तों M3 कैमरा, सोनी का A7M3 कैमरा ट्रेंडिंग में है, वीडियो के लिए बेस्ट माना गया है, बहुत इंडिया में बिका है। दूसरा कैमरा है दोस्तों A7M4 जो नया आया है, उससे पहले था A7S3, उसके बाद है अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है FX3। अगर बात करें ये वीडियो के लिए बेस्ट माने गए हैं M3, M4, S3, FX3। अब इन चारों में से हमें कौन सा परचेज करना है, देखो बजट भी बढ़ता जा रहा है और हमें बॉडी भी अच्छी चाहिए। अगर हम इन चारों कैमरे की बात करें, अगर जो भी M3 लेने की सोच रहा है, तो मेरा मानना है आप ये प्लान स्किप कर दीजिए, क्योंकि 2018 के अंदर ये बॉडी लॉन्च हुआ था और ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। तो ये कैमरा 8-bit पे बेस्ड है और जो नेटिव ISO है, मतलब बेस ISO है, वो भी 800 से स्टार्ट हो रहा है, और प्लस कहीं ना कहीं वो नॉइस क्रिएट करता है स्लो के ऊपर, और उसकी जो कैमरा टेक्नोलॉजी है वो भी 5 साल पुरानी है। जो नए, अगर M4 की बात करें, S3 की बात करें, FX3 की बात करें, ये कैमरा हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनका फर्मवेयर भी अपडेट हो रहा है डेली, डेली का मतलब है हर 6 महीने साल में फर्मवेयर आता है नया, जिसमें नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। अगर तो आप एक चाहते हैं कि ऐसे बंदे हो कि हमें स्टिल के लिए भी चाहिए, वीडियो के लिए भी चाहिए, ऑलराउंडर हो, तो आपके लिए बना है सिर्फ M4 कैमरा। 33 मेगापिक्सल है, वीडियो में भी बेस्ट है और स्टिल में भी बेस्ट है, और 4K 60fps है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। अब 4K 60 है प्लस सुपर 35 है, मतलब कैमरा क्रॉप हो जाता है। उसके बाद जैसे मैं हूँ, अब मैं सोचूँ कि यार मैंने कौन सा कैमरा लेना, मैं तो एज सिनेमेटोग्राफर हूँ, स्टिल तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए जो बेस्ट कैमरा है वो रहेगा S3। 4K 120fps है, 12 मेगापिक्सल है, तो मुझे सिर्फ वीडियो खींचनी है। उसके बाद 4:2:10 bit हैं, ये तीनों कैमरे 4:2:10 bit हैं, मतलब कलर्स होते हैं, पहले M3 8 bit पे था, अभी 10 bit पे शिफ्टेड है हम लोग। और अगर बात करें कि यार अब मैं गाने भी करता हूँ, प्री वेडिंग्स भी करता हूँ, मैंने वेब सीरीज भी करनी है, तो उसके लिए बना है FX3। FX3 OTT जितने भी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स से लेके, सबसे अप्रूव है। अगर आप कोई भी वेब सीरीज़ बनाते हैं तो ईजिली 1 सेकंड के अंदर
जो आपका OTT प्लेटफॉर्म है उसे अप्रूव कर देगा। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा सिनेमा कैमरा है, DCI 4K का भी कंपनी ने अपडेट दे दिया है, जिसमें True 4K जिसे कहते हैं। इससे पहले किसी भी कैमरे में True 4K नहीं था। अगर बात करें 4096x2160 की जो रेशो है DCI पे, अब वो भी विजिबल कर दी है FX3 पे। डुअल बेस ISO है जी। जैसे हमारे इन कैमराज में क्या होता है कि ISO 100, 200, 300, 400, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 ऐसे ISO जाता है। लेकिन बात करें FX3 की, अगर आप नेटिव ISO पे काम करना चाहते हैं, डुअल बेस ISO बोला जाता है जिसे, फिल्म वाले जितने भी फिल्म्स हैं वो नेटिव ISO के ऊपर काम करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं कि बार 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 ISO को चेंज करते हैं, क्योंकि डायनामिक रेंज वहाँ पे लॉस होती है। अगर बात करें FX3 की, उसमें डुअल बेस ISO है, मतलब एक ISO मिलता है आपको 800, दूसरा मिलता है 12,800, दोनों पे 15 प्लस स्टॉप की डायनामिक रेंज मिलती है आपको। ऐसा नहीं है अगर इन कैमरे में मैं ISO ले जाऊंगा 5-6,000, इसकी डायनामिक रेंज लॉस है पूरी की पूरी। इनका 640 तक ही काम करता है, जैसे M4 हो गया, S3 हो गया, 640 पे डायनामिक रेंज सॉलिड मिलेगी। लेकिन आप जाओगे तो 100% आपकी डायनामिक रेंज लॉस होगी, क्योंकि ये सिनेमा कैमरेज नहीं है। तो उसमें डुअल बेस ISO का ऑप्शन दे दिया गया है, अलॉय की बॉडी है, नॉट हीट चांस, दो कूलिंग फैन भी दिए गए हैं, और उसको हीट को बाहर निकालने के लिए रफ एंड टफ बॉडी सॉलिड की गई है। व्यू फाइंडर निकाल दिया गया है। क्यों व्यू फाइंडर निकाल दिया गया है? क्योंकि जितने भी सिनेमा कैमरे देखेंगे उनके अंदर व्यू फाइंडर नहीं होता, वो बाद में अलग से लगाते हैं, तो व्यू फाइंडर रिमूव कर दिया है। DCI 4K है, अलॉय की बॉडी है, 4:10 bit है, 4K आपका 120 फ्रेम रेट मिलता है, नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड है। तो बहुत सारी और भी छोटी छोटी खासियत है। अगर आप अब FX3 किन के लिए बेस्ट है, जो वेब सीरीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, प्री वेडिंग करते हैं, उसके बाद वेडिंग अच्छा करते हैं, उसके बाद अगर सोच रहे हो म्यूज़िक वीडियो करना चाहते हैं, तो आप अगर आज वो कैमरा खरीद लेते हैं तो आपको लगेगा कि 5 साल बाद की टेक्नोलॉजी आप अभी खरीद लेते हो, कि आपको बार बार कैमरा चेंज करना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जो भी वो कैमरा ले लेता है सिनेमेटोग्राफी के लिए, वो 5 साल तक 4 साल तक उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा बहुत सॉलिड कैमरा ले चुका है। अगर इतना ज़्यादा बजट नहीं है फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, S3 कैमरा। बट इसमें क्या है कि थोड़े बहुत हीट के चांसेस भी इन बॉडीज़ में अल्फा सीरीज़ में आ जाती है, अगर रेगुलर आप रफ एंड टफ यूज़ करते हैं तो। लेकिन मैं पिछले मतलब 2-2.5 साल से मैं S3 यूज़ कर रहा हूँ, 4K पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी हीट चांस के इशू नहीं आए हैं मेरे पास। और इसके अंदर भी हमें 4K 120fps मिलता है ऑलमोस्ट, मतलब ये FX3 के बराबर ही है। क्वालिटी आप देखोगे आपको महसूस नहीं होगा कि FX3 से अपर है, क्वालिटी आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि सेम MBPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। 500 पे FX3 कर रहा है, 500 MBPS पे S3 कर रहा है। लेकिन उसमें एडवांस फीचर्स हैं, डुअल बेस ISO, LUT भी इंपोर्ट कर सकते हैं आप। हम क्या करते हैं, सिस्टम पे आपके कलर ग्रेडिंग करते हैं, लेकिन FX3 के अंदर ही आप LUTs को इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑन सेट कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, और भी छोटे छोटे बहुत सारे एडवांस फीचर्स उसके अंदर डालेंगे। अगर बजट कम है तो S3 ले लीजिए, S3 भी बेस्ट कैमरा है, 4:10 bit पे बेस्ड है, क्वालिटी बहुत शार्प है, 4K के अंदर आपको UHD मिलता है, 3840:2160 की रेशो मिलती है आपको UHD, और भी छोटे छोटे इसके अंदर भी बहुत खासियत है, 4K के ऊपर क्रॉप नहीं होता। और अगर बात करें कि इतना भी बजट नहीं है तो M4 कैमरा ले सकते हो। M4 की खासियत क्या है, वीडियो के लिए भी बेस्ट है और स्टिल के लिए भी बेस्ट है, और 4:10 bit है, और ये भी कैमरा इसमें स्टिल एंड वीडियो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो इसके अंदर। तो मेरा मानना है कि अगर आप एक बेस्ट कैमरा देख रहे हो, अगर आपका बजट है तो आप FX3 ले सकते हैं, उससे थोड़ा कम बजट है तो S3 ले लीजिए सिनेमेटोग्राफी के लिए। सोनी में अगर वीडियो एंड स्टिल करना चाहते हो, दोनों करना चाहते हो, तो किस में बेस्ट होगी, M4 कैमरे के अंदर। ये तो रही सिनेमेटोग्राफी की बात, कि अगर आप वीडियो के लिए देख रहे हैं सिर्फ दो ही कैमरा, अगर मैं ओनली सिनेमेटोग्राफर हूँ या आप सिनेमेटोग्राफर है, सिर्फ S3 लीजिए या आप चूज़ कीजिए FX3। ये दो बेस्ट कैमरा है वीडियो के लिए भी। अगर बात करें कि यार ओनली मैं तो स्टिल फोटोग्राफर हूँ, मैं वीडियो तो करता ही नहीं, तो फिर क्या है, R सीरीज़ है। जैसे ये R5 कैमरा है, देख सकते हैं,
तो 61 मेगापिक्सल कैमरा है, स्क्रीन को भी रोटेट कर दिया गया है इसके अंदर काफ़ी, और भी बहुत छोटे छोटे फीचर्स है इसके अंदर। 8K है, 8K 30 FPS पे है, उसके बाद 4K 60 FPS पे है, उसके बाद 61 मेगापिक्सल है, जहाँ पे R सीरीज़ आ गई। अब स्टिल के लिए कैमरा कौन सा बेस्ट है, अब इनकी R सीरीज़ आती है, R आया था, R2, R3, R4, R5, तो ये R का मतलब रेजुलेशन है। रेजुलेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब स्टिल के लिए बेस्ट माने गए हैं कैमरे। मैं वीडियो के लिए इनकी सुजेशन नहीं दूंगा R सीरीज़ की, क्योंकि ये वीडियो के लिए स्पेशल नहीं डिज़ाइन किए गए। अगर आप एक अच्छा कैमरा ढूंढ रहे हैं, R3, R4 और R5, ये तीन कैमरे बेस्ट हैं इस टाइम। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैमरा है आपके पास, मैं R5 लेने की सुजेशन नहीं दूंगा कि आप 3.5-4 लाख की बॉडी लीजिए जी। 61 मेगापिक्सल आप कोई बहुत ही बड़ा काम नहीं कर रहे कि बड़ी बिल्डिंग के ऊपर पोस्टर लगाना है, कि क्लाइंट को बहुत बड़ा पोस्टर देना है। अगर आपके पास R3 है, R4 है, वो भी बेस्ट है, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो इनके अंदर थोड़े से एडवांस फीचर्स दे दिए गए, लेकिन मेरा मान रहा है कि वो जो जैसा हम काम करते हैं हमारे लिए वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। AI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है, मतलब फोकस की टेक्नोलॉजी बहुत शार्प है, और 7 फास्टर फोकस कर दिया गया है। मेरा मानना है कि हमने R4 भी यूज़ कर रहे हैं तो ये बेस्ट है, R5 आपको जंप नहीं करना चाहिए, R3 भी बेस्ट है तो चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन M3 के ऊपर अभी बेस्ड है तो वो चेंज करना चाहिए मेरा मानना है। तो दोस्तों, आज का जो ओवरऑल मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा था कि वीडियो के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है और स्टिल के लिए कैमरा, और लास्ट पे अगर कंक्लूजन की बात करें, अगर आप अच्छे लेवल का काम करना चाहते हैं, 3 से 4 साल चाहते हैं कि मैं कैमरा चेंज ना करूं, या तो आप वीडियो के लिए S3 परचेज करिए या FX3 परचेज करिए, अगर 4 से 5 साल चाहते हैं कैमरा चेंज ना करूं। अगर स्टिल के अंदर कैमरा देख रहे हैं तो R4 लीजिए या R5 लीजिए, ये भी 4 से 5 साल आपको कैमरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दो बॉडी जो वीडियो के अंदर बताई है या स्टिल के अंदर बताई हैं, ये बेस्ट है। तो सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम किस पे लेके आएँ। तो इससे क्या है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल भी मिलता है कि लोग बड़े अच्छे कमेंट कर रहे हैं, और भी ट्यूटोरियल्स बनाए हम, और शेयर भी प्लीज़ कीजिए, क्योंकि जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं तो हमें लगता है यार कि कोई देखता तो नहीं है हमारा ट्यूटोरियल, तो किस लिए बनाना है, क्यों बनाना है। तो अगर हम फ्री में थोड़ा सा भी ज्ञान आपको बांट रहे हैं, या आपको एक पॉइंट हमारी वीडियो से अच्छा लगता है, तो प्लीज़ यार कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना है। तो ये सीरीज़ चलेगी, अब पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आएंगे, पहले सिनेमेटोग्राफी क्या था, अब बॉडी कौन सी अच्छी है, उसके बाद मेमोरी कार्ड कौन सा अच्छा है, उसके बाद लेंसेज कौन से सिनेमेटोग्राफी के। आपको पता है कि मेरा चैनल सिनेमेटोग्राफी के ऊपर है, तो सिनेमेटोग्राफी की ही मेजर बातें करेंगे। तो उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि बॉडी कौन सा अच्छा है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, ग्रेंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।